वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 111। मैं हूं आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग होने वाली है वो एक मैरिज प्रिडिक्शन होगी। हम देखेंगे आपके लाइफ पार्टनर से आपकी मुलाकात कैसे होगी, फर्स्ट मीटिंग कैसे होगी, कब मिलोगे, टाइमिंग क्या होगा और फर्स्ट इम्प्रेशन कैसा होगा एक दूसरे के प्रति। सब कुछ बहुत ही ज़्यादा डिटेल में होने वाली है। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, आपको सारी डिटेल्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी गाइज। ओके, साथ में इंस्टा में भी जरूर फॉलो करें। इंस्टा की मेरी दो आईडीज है, पहला है पूर्वा घोष, दूसरा है मिस्टर सिम्बाई पूर्वा ऑफिशियल। तो जरूर चेक करें और बन जाइए इंस्टा में भी फैमिली का हिस्सा। सो आज आपको अपने नेम का फर्स्ट लेटर चूज करना है, आपको अपने नाम का पहला अक्षर चूज करना है। सो आज यहाँ पर दो ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर ए से एम के बीच में आता है तो आपको ग्रुप वन चूज करना है, और अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में आता है तो आपको ग्रुप टू चूज करना है। मैं आपको जूम करके शो कर देती हूँ ताकि आप इजिली जो है चूज कर पाए। तो ये पूरी तरीके से जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, यानी कि आप सबके लिए है, तो आप सब देख सकते हैं। ओके, सो चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर वन, अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर ए से एम के बीच में आता है और आपने ग्रुप वन को चूज किया है तो देख लेंगे कि आपकी मुलाकात आपके फ्यूचर स्पाउस से कैसे होगी, कब होगी, और जब आप दोनों फर्स्ट टाइम मिलेंगे तो एक दूसरे के लिए इम्प्रेशन आप दोनों के मन में कैसा होगा, ये भी सब हम बहुत ज्यादा डिटेल में देखने वाले हैं गाइस। तो इस वीडियो को अगर आप देख रहे हो तो एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरा पूरा क्लैरिटी मिले। तो ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। ओके, चाहे आपका कोई भी जेंडर हो, कोई भी कल्चर हो, आप सभी के लिए है। ओके, तो आप सब देख सकते हैं बिल्कुल आराम से और बिल्कुल टाइमलेस है, यानी कि जिस वक्त आपको ये वीडियो मिलेगा आपके लिए एप्लीकेबल होगा। ओके, बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें गाइस, वहां पे सारी डिटेल्स मौजूद है रिलेटेड टू पेड रीडिंग्स, रिलेटेड टू एनर्जाइज जेम स्टोन्स, क्रिस्टल्स, टैरो क्लासेस, रेमेडीज एक्सेट्रा। ओके, तो चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग। वैसे रीडिंग स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगी कि प्लीज 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 लाइक कर दीजिए वीडियो को, शेयर करें और साथ में कमेंट भी करें। ओके, और ऑलरेडी आप सब बहुत ज्यादा प्यार देते हो, लेकिन लाइक जरूर करें, बिकॉज लाइक करने से आप एक पॉजिटिव ऑरा अपने अंदर जो है अपने सराउंडिंग में क्रिएट करते हैं, और आप इजिली जो है अगर रीडिंग पॉजिटिव आती है तो आप इजिली उस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ओके, सो चलिए आप बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी के साथ एंड हैप्पीनेस के साथ एंड रिलैक्सेशन के साथ आज की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस यानी कि आपके जो लाइफ पार्टनर होंगे उनसे आप कहां मिलोगे, आपकी फर्स्ट मीटिंग किस तरीके से, कहां पर, कैसे सिचुएशन में होगी, सब डिटेल में देखेंगे। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूं आप लोग प्लीज पॉजिटिव रहिएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास है थ्री ऑफ पेंटिकल्स, और भी कार्ड्स देखते हैं। एस ऑफ वांड्स, हमारे पास है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वन मोर कार्ड, हमारे पास है द हैंग्ड मैन। ऑलराइट, सो गाइस सबसे पहले मैं साइंस जोडियक्स की बात कर लेती हूँ, यानी कि राशियों की बात कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पर है अर्थ साइन वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, फायर साइन एरीज, लियो सजिटेरियस, एयर साइन एक्वेरियस, लिब्रा जेमिनी एंड वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस।
सारे साइन सारे राशियां ही यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले बात कर लेते हैं विद द हैंडमैन। तो आप एक ऐसे सिचुएशन में मिलोगे जहां पर आप अपनी स्टडीज कंटिन्यू कर रहे हो या फिर कुछ नया सीखने जा रहे हो। सो हो सकता है कि आप कॉलेज डेज में मिलोगे इनसे या फिर स्कूल डेज में, या फिर अगर आप जॉब भी करोगे तब भी हो सकता है कि आप किसी चीज से रिलेटेड नॉलेज गेन कर रहे होगे, कोई शॉर्ट टर्म कोर्स कर रहे होगे या पढ़ाई किसी चीज की पढ़ाई किसी चीज की नॉलेज आप ले रहे होगे या किसी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे होगे जहां पर आपका पूरा पूरा फोकस आपके स्टडीज में एंड आपके करियर में है, आपके इनर विजडम एंड आपके नॉलेज में है, आपका ध्यान जो है जब लव में एक्सपेक्टेशंस नहीं रहेंगे रिलेटेड टू योर लव लाइफ तब आप इनसे मिलेंगे। तो एक ऐसी सिचुएशन में मिलेंगे जहां पर आप सॉलिट्यूड मोड पर है, मतलब आप अकेले में ही हैं, अपने ही लाइफ में सोचे जा रहे हैं, अपने लाइफ के बारे में मतलब सोच रहे हैं कि क्या करना है कैसे करना है, कुछ सीख रहे हो, कुछ नॉलेज गेन कर रहे हो, ठीक है, कुछ किसी नई चीज की शुरुआत कर रहे हो। तो एक ऐसे सिचुएशन में आप इस पर्सन से मिलने वाले हैं और आप इस पर्सन से एक ऐसे जगह पे ऐसे सिचुएशन में मिलेंगे जहां पर किसी चीज की नई बिगिनिंग हो रही है। तो न्यू कॉलेज में मिल सकते हो, नए जॉब में मिल सकते हो, वर्क प्लेस में, ठीक है, या फिर स्टडी प्लेस में, किसी भी स्कूल में भी मिल सकते हो, नो डाउट, बट यस, एक ऐसा जगह जहां पे लोग बहुत बिजी हैं किसी चीज को ठीक करने में, या किसी चीज को बिल्ड करने में। तो किसी तरीके के इवेंट में भी मिल सकते हो, ठीक है, रिलेटेड टू बिजनेस इवेंट्स और इवेंट, वेडिंग और बर्थडे पार्टीज, ठीक है, समथिंग लाइक दैट, एनिवर्सरी पार्टीज, जहाँ पे लोग बहुत बिजी हैं डेकोरेशंस में, खाना बनाने में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, भाग दौड़ चल रही है, ठीक है, सब अपने अपने में बिजी हैं, बातचीत करने में, डिस्कशंस करने में, काम में, ठीक है, किसी के ऊपर किसी का उतना ज्यादा ध्यान नहीं है। तो ऐसी वाली एनर्जीज नजर आ रही है। तो मैक्सिमम चांसेस आ दिया कि आप इस पर्सन को वर्क प्लेस में या स्टडी प्लेस में मिलेंगे जहां पर आप आगे स्टडीज परस्यू करने जाएंगे या फिर आपको नया जॉब मिलेगा, ठीक है, किसी जगह में जॉब करने जा रहे हो एज अ कलीग, एज अ सीनियर, एज अ जूनियर और इवन एज अ बॉस या वाइस वर्सा हो सकता है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आप बॉस हो तो आपके 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 ऑफिस में कोई एम्प्लॉय आए, देन उनके साथ आपका कनेक्शन बने, वही आपके फ्यूचर स्पाउस हो, तो वाइस वर्सा एनर्जीज हो सकती है। बट एक ऐसी जगह में मिलोगे आप लोग फर्स्ट टाइम पे जहां पर बहुत सारे लोग रहेंगे और म्यूचुअल फ्रेंड्स आप दोनों के रहेंगे या फिर एक म्यूचुअल कनेक्टिविटी रहेगी जहां पर आप इस पर्सन को सकते हैं फर्स्ट टाइम के लिए डायरेक्टली ना जान पाओ, लेकिन जो लोग आपसे बात करते हैं, जो लोग आपको जानते हैं, वो आपको कहीं ना कहीं आप दोनों को कहीं ना कहीं पहचानते होंगे और वही आप दोनों को सकता है मिला सकते हैं या फिर बातचीत उसी तरीके से उसी मीडियम के थ्रू आपकी बातचीत शुरू हो, ठीक है। सो ऐसे माहौल में मिलोगे जहां पर लवर्स का मिलना थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा होता है या फिर वैसा अच्छा रोमांटिक इन्वायरमेंट नहीं रहने वाला है, ठीक है, थोड़ा सा हेक्टिक या वर्कलोडेड या फिर सब अपने अपने में बिजी हैं, लेकिन लोग बहुत सारे रहेंगे जब फर्स्ट टाइम मिलोगे, एकदम अकेले में नहीं मिलने वाले हो, ओके, ऐसी एनर्जी मुझे नजर आ रही है। और जब आप इस पर्सन को मिलेंगे, आपके फ्यूचर स्पाउस को, तब आपके लाइफ में कुछ ना कुछ नई शुरुआत जरूर हो रही होगी, या तो आपकी प्रमोशन हो गई होगी तुरंत से या कुछ दिन पहले ही, या फिर किसी इवेंट में गए हो जहां पर अवार्ड्स दिए जा रहे हैं अचीवमेंट्स के लिए, ऐसे सिचुएशन में मिल सकते हो, ठीक है, किसी नए कॉलेज में गए हो, किसी नए जॉब में गए हो, तो कुछ नया शुरुआत करोगे अचानक से, तब जाकर इस पर्सन की एंट्री आपके लाइफ में होगी, ठीक है, कोई सेमिनार अटेंड कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, लेकिन कुछ एक नया शुरुआत आप जरूर करेंगे और उसी चीज के वजह से, उसी बिगनिंग की वजह से आपकी मुलाकात आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ होगी। तो ये भी हो सकता है कि कोई कुछ कोर्स सीखने जा रहे हो, कुछ नया सीखने जा रहे हो शॉर्ट टर्म का चीज, तो उसमें भी आप इस पर्सन से अचानक से मिल सकते हो, आपके टीचर हो सकते हैं या फिर आपके साथ हो सकते हैं, सीनियर जूनियर कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक पब्लिक प्लेस नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ, एक वर्क प्लेस में जहां पर कुछ तो काम चल रहा है, एक ऐसे फैक्ट्रीज में भी मिल सकते हो, ओके, तो ये एनर्जी डेफिनेटली नजर आ रही है। विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है कि आपकी जो मीटिंग होने वाली है आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड तरीके से होगी, लेकिन जैसे ही आपको एक नजर मिलेगी ना अपने फ्यूचर स्पाउस की, यू विल रिकॉग्नाइज इट, योर सोल विल रिकॉग्नाइज इट एज वेल एज योर फ्यूचर स्पाउसेस एज वेल, ओके, तो मतलब आप दोनों एक दूसरे को पहचान जाओगे, मतलब ऐसा नहीं होने वाला है कि एकदम पहचान लिया और आपको लग गया कि यही है मेरा जीवन साथी, लेकिन एक ऐसा फीलिंग आपको मिलेगा कि कुछ अलग सा लगेगा, ठीक है, जैसा आपको कभी किसी और के साथ मिलकर या फर्स्ट टाइम किसी अननोन पर्सन को या स्ट्रेंजर को देखकर नहीं फील हुआ हो, ओके, सो यहाँ पर मुझे एक स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है, कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटी आ दिया कि आप इस पर्सन से ऑनलाइन मिलो, एंड जब फर्स्ट टाइम आप लोग मिलो तो आप लोगों की प्लानिंग करके मुलाकात नहीं होगी, बल्कि सडनली मुलाकात हो सकती है, काम के सिलसिले में मुलाकात हो सकती है, ठीक है, तो ये एनर्जी भी बहुत कम लोगों के लिए, मे बी 0.5%, बट यस,
पॉसिबिलिटीज आती है। तो ये मुझे दिख रहा है कि डेस्टिंड मीटिंग होगी आप दोनों की, ठीक है, मतलब डिवाइन टाइमिंग रहेगा, मतलब जब आप दोनों मिलोगे फॉर द फर्स्ट टाइम आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ रुक सा गया है, थम सा गया है, या फिर स्लो हो गया अचानक सारी मूवमेंट्स, ओके। और भले ही लोग अपने अपने काम में बिजी रहें, डिस्कशंस में बिजी रहें, या कितना भी वर्क प्लेस में क्यों ना मिलो, आप दोनों एक दूसरे को नोटिस जरूर करने वाले हो, मतलब अलग सा ही लगेगा कि सब कुछ थम सा गया है और बस आप दोनों ही मतलब एक दूसरे को नोटिस कर पा रहे हो और आप दोनों का ध्यान कहीं और जा ही नहीं रहा है, ना आप दोनों कुछ और चीज को देख पा रहे हो, समथिंग लाइक दैट। तो ऐसी ही मीटिंग आपकी होने वाली है गाइस, ओके। तो मुझे लग रहा है कि जब आपकी मीटिंग होगी तब यू नो आप रेडी भी नहीं रहोगे और ना एक्सपेक्ट कर रहे होगे और ना आपने ड्रीम भी किया होगा या सोचा भी होगा कि मैं ऐसे सिचुएशन में अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल सकता हूँ या मिल सकती हूँ। तो बाद में जाकर आपको वो थोड़ी सी इंसिडेंट फनी लगेगी बाद में, क्योंकि इस तरीके से मिलना मुझे लगता है थोड़ा सा ऑकवर्ड हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए, ओके। सो अब हम देख लेते हैं कि इम्प्रेशंस कैसे रहने वाले हैं, ठीक है, एक दूसरे के लिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस जो है आपको फर्स्ट टाइम देखने के बाद कैसा महसूस करेंगे या फिर क्या सोचेंगे, ओके। सो लेट्स सी, वी हैव डोर टू रोमांस, ओके। तो बहुत क्लियरली यहाँ पर नजर आ रहा है डोर टू रोमांस से कि ये इंसान जैसे ही आपको देखेंगे तो वो फिदा हो जाने वाले हैं, जैसे ही आपको देखेंगे तुरंत उनको रोमांटिक फीलिंग्स आनी शुरू हो जाएगी। एंड मुझे लगता है कि किसी को ये इन्फॉर्म करेंगे, मतलब जैसे ही वो आपको देखेंगे, आपको पहचानते नहीं होंगे या फिर हो सकता है थोड़ा बहुत जानते हो, नाम सुना हो, ठीक है, या फिर ऑनलाइन देखा हो, या कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, लेकिन रियलिटी में इंसान जब आपको देखेंगे फर्स्ट टाइम ऐसे मीटिंग में, तो मुझे लगता है कि इस पर्सन को कुछ क्लिक करेगा और ये बहुत ही अच्छा फील करेंगे और उनको ऐसा लगेगा कि ओके मेरी सर्च जो है कंप्लीट हो गई है, ठीक है, मतलब यू नो मतलब एक ऐसा फीलिंग है जिसे मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट आपको देखकर, ओके, ऐसा फील करना कि उन्हें यू नो जन्नत नसीब हो गई, ऐसी वाली एनर्जीज हैं। और किसी को ये इन्फॉर्म करेंगे, या तो उनके साथ अगर कोई फ्रेंड रहने वाला है तो या तो उनको पूछने वाले हैं या बताने वाले हैं, या फिर अपने पेरेंट को या फिर अपने सिबलिंग को कि यू नो फाइनली आई फाउंड माई लव, ऐसी वाली एनर्जीज है। भले आपको जानेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, लेकिन वो अंदर से इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाने वाले हैं आपको देखते ही कि बहुत ही ज़्यादा फिदा हो जाने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करने वाले हैं वो आपके तरफ। और यू नो मुझे लगता है कि जब वो आपसे मिलेंगे उसके पहले ही मुझे लगता है कि वो इमोशनली उतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं रहे होंगे किसी के लिए, या सिंगल रहे होंगे बहुत टाइम से। तो जैसे ही वो आपको देखेंगे उनके दिल के दरवाजे जो हैं खुल जाएंगे फिर से, और उनको ऐसा लगेगा कि बस आपको अब जो है ना अब आपको पाना है, या फिर आपसे बात करनी है, आपके बारे में जानना है, ऐसी वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। क्यूरियस होने वाले हैं आपको देखकर कि ओ माय गॉड हु इज ही और शी, ओके। सो ऐसी वाली एनर्जीज है, बहुत ही ज्यादा रोमांटिक, बहुत ज्यादा क्यूरियस, बहुत ज्यादा एक्साइटेड, एज वेल एज यू नो एक नर्वसनेस अंदर देखते ही देखते, ठीक है, कि आगे क्या होने वाला है, इस पर्सन से हम मिल भी पाएंगे या नहीं, इनका नेम क्या है, कहाँ से आ रहे हैं ये, ठीक है, कहाँ पर है। तो ऐसी वाली एनर्जीज बहुत अच्छी नजर आ रही है कि आपको देखते ही देखते इनके दिल के दरवाजे खुल जाएंगे, जो कि बहुत सालों से या बहुत मंथ से हो सकता है बंद थे, उन्होंने किसी को भी एंटर नहीं करने दिया था अपने लाइफ में, और वो हो सकता है किसी के साथ रिलेशनशिप में भी नहीं थे, ओके। सो फर्स्ट इंप्रेशन आपकी फ्यूचर स्पाउस का आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो अब हम देखेंगे कि आप क्या फील करेंगे अपने फ्यूचर स्पाउस को फर्स्ट टाइम देखने के बाद। ओके, वी हैव एंजल ऑफ बैलेंस, ओके। सो एंजल ऑफ बैलेंस से मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है कि मुझे लगता है कि आप भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड फील करने वाले हैं इस पर्सन के टूवर्ड्स, लेकिन आपको इस पर्सन की पर्सनैलिटी बहुत पसंद आएगी। मुझे नहीं लग रहा है कि फर्स्ट मीटिंग में ही यू नो आप ऐसा फील करोगे कि आपको अपना लाइफ पार्टनर मिल गया, या फिर आपको रोमांटिक फीलिंग्स आनी शुरू हो जाएगी, एकदम से क्रश बन जाएंगे ये आपके फर्स्ट मीटिंग में ही, नो। बट येस, आपको इनको देखकर इनकी पर्सनैलिटी आपको बहुत वाइब्रेंट नजर आएगी, बहुत अच्छी नजर आएगी, और मुझे लगता है कि इनको देखकर ना आप थोड़े से इंस्पायर्ड फील करेंगे, या फिर इनकी ऑरा आपको बहुत पसंद आएगी, आपको ऐसा लगेगा कि ओ माई गॉड हु इज ही और शी, ठीक है, इन अ गुड वे, इन अ रेस्पेक्टफुल वे, ओके। तो ऐसी वाली एनर्जीज मुझे यहाँ बहुत क्लियरली नजर आ रही है कि फर्स्ट इंप्रेशन आपका भी बहुत अच्छा होगा, ठीक है,
मतलब आपके फ्यूचर स्पाउस का इंप्रेशन आपके ऊपर बहुत अच्छा होगा, बिकॉज आप उन्हें एक रिस्पेक्टफुल वे में देखोगे. आपको उनकी पर्सनैलिटी देखकर, उनकी फिजिक, उनकी लुक्स, द वे ऑफ टॉकिंग, द वे ऑफ वॉकिंग, सारी चीज़ें बहुत पसंद आएगी. आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड फील करेंगे, ओके. और उनकी ऑरा भी आपको बहुत मैग्नेटिक एंड बहुत एनर्जेटिक फील होगी. तो मुझे लगता है कि आप दूर से बहुत ज़्यादा यू नो एडमायर करेंगे इस पर्सन को. ये एनर्जी मुझे आ रही है. तो फर्स्ट इंप्रेशन आपका अच्छा रहेगा, लेकिन उससे भी कई गुना ज़्यादा आपका इंप्रेशन अपने फ्यूचर स्पाउस के ऊपर अमेजिंग रहने वाला है. बिकॉज आपकी फ्यूचर स्पाउस तो पूरी तरीके से फिदा होने वाले हैं. वो सोच लेंगे कि आपको अपना बनाना है. बट आपके केस में आप जो है इस पर्सन को पसंद करोगे, इस पर्सन की पर्सनैलिटी को लाइक करोगे एंड एडमायर करने वाले हो, ठीक है, कि ये कौन है, कितने अच्छे हैं, ओके. और अगर आपको ऑलरेडी पता होगा कि ठीक है मतलब कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं या क्या करते हैं, इनकी बैकग्राउंड क्या है, प्रोफेशन क्या है, सो मुझे लगता है कि उस बारे में भी ये इंसान उनको देखकर बहुत एडमायर करने वाले हो, बहुत पसंद करने वाले हो, बहुत अच्छा फील होगा आपको उनको देखकर. बहुत इंस्पायर्ड एंड मोटिवेटेड फील करेंगे, बहुत लाइट फील करेंगे, पॉजिटिव फील करेंगे. तो फील आपको भी बहुत एनर्जेटिकली एंड बहुत अच्छा फील होगा, जो कभी आपको किसी इंसान के साथ यू नो मिलकर नहीं लगा होगा. लेकिन आप उस चीज़ को फर्स्ट मीटिंग में ही समझ नहीं पाएंगे कि इनके साथ तो अभी आपको बहुत लंबा समय जो है, बहुत लंबा एक जर्नी जो है तय करना है. उसकी जो चीज़ है उसकी हिंट आपको नहीं मिल पाएगी फर्स्ट मीटिंग में. लेकिन फर्स्ट मीटिंग में आप इन्हें बहुत ज़्यादा यू नो देखकर बहुत पसंद कर लोगे, ठीक है, इन जनरली. बट आपके माइंड में वो थॉट नहीं आएगा कि इन्हें डेट कर सकते हैं क्या, ये क्रश है या इनसे शादी पॉसिबल है क्या, तो ये सब थॉट्स आपके नहीं आएंगे, ठीक है. तो आपकी फीलिंग्स मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा क्लियर एंड बहुत ज़्यादा साफ होने वाली है, ओके. सो चलिए अब हम देख लेते हैं कि आपकी मीटिंग आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ कब होगी. We have five of wands. बहुत क्लियरली नजर आ रहा है. कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटीज आ दिया कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से ऑलरेडी मिल चुके हैं, लेकिन फर्स्ट मीटिंग मुझे लग रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ हो चुकी है. बहुत कम लोगों की मुझे यहाँ नजर आ रही है, ठीक है. बहुत लोगों की मतलब ज्यादा मुझे नजर आ रही है कि ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि आप इनसे मिल सकते हो बहुत जल्दी, लेकिन आपके लाइफ में कुछ टर्मोइल्स चल रहे हैं. तो जब तक वो टर्मोइल्स ठीक नहीं होते, ठीक है, जब तक आप इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकलते, तब तक आपकी मुलाकात इस पर्सन से होना थोड़ा मुश्किल है. और कुछ लोगों के लिए आप इस पर्सन से ऑलरेडी मिल चुके हैं, लेकिन आप दोनों के बीच में हो सकता है कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट होकर रखा हुआ है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, या बातचीत नहीं होती है उतनी अच्छी तरीके से. और कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपके लाइफ में अभी भी कुछ स्ट्रगल्स चल रहे हैं, या फिर आपके लाइफ में अभी भी कुछ यू नो कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ टर्मोइल्स हैं, ठीक है, मेंटली या फिजिकली किसी चीज़ को लेकर स्ट्रगल कर रहे हो. तो जब तक उस सिचुएशन से बाहर नहीं आते, जब तक फेलियर से सक्सीड नहीं करते, या जब तक उस सिचुएशन से निकलकर हैप्पीनेस वाले स्टेट ऑफ माइंड में नहीं आते, तब तक आपकी इस पर्सन के साथ मीटिंग होनी मुश्किल है. बिकॉज ये एक डेस्टिनेड मीटिंग है, तो डिवाइन टाइमिंग पे ही होगी. और डिवाइन टाइमिंग आपकी तभी आएगी जब यू नो आप एक अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में, बैलेंस्ड एनर्जी में रहोगे, जहां पर आप अपनी लाइफ को लेकर हैप्पी हो, ठीक है, जो भी आपके पास है, जो भी काम आप कर रहे हो, ठीक है, मन में कोई चाहत नहीं रहेगी, और जिस चीज़ के लिए ट्राई किया जा रहा है उसमें सक्सीड कर जाओगे, तब जाके इस पर्सन के साथ आपकी फर्स्ट मीटिंग हो जाएगी बहुत आराम से. तो यहाँ पर टाइम मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि अनफिक्स्ड है, मतलब अनसर्टिनिटी है टाइमिंग पे. डिपेंड करेगा कि आप कितने जल्दी उस नेगेटिविटी से या स्ट्रगल से, टर्मोइल से, फेलियर से निकल के आते हैं. बट स्टिल देन कुछ लोगों ने मुझे लग रहा है यहाँ पे 4 to 5 months का वेट आपको करना पड़ेगा. उसके बाद आपकी मीटिंग होने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ. सो गाइज, ये थी आप लोग की रीडिंग. आई होप आपको पसंद आएगा. पसंद आए तो प्लीज टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब. मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज. तब तक के लिए बाय 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 बाय. हेलो पॉइंट नंबर 2, अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में शुरू होता है, आपने हाइट्स को चूज किया है, तो देख लेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपकी फर्स्ट मीटिंग कहाँ पर होगी, कैसे सिचुएशन में होगी, कैसे होगी, और टाइमिंग क्या होगा मीटिंग का, और साथ में इंप्रेशंस आप दोनों के एक दूसरे को लेकर कैसे रहेंगे, ये भी हम देखने वाले हैं. सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं. बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें, ओके. और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दे गाइस, कमेंट भी करें, शेयर भी करें साथ में. अगर आप लाइक करते हैं तो इससे एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होगी, और आप आसानी से अगर रीडिंग पॉजिटिव आता है, अच्छा आता है,
तो आप बहुत इजीली उस चीज को क्लेम कर पाएंगे. ओके, बिकॉज पहले ही आप लाइक कर अपनी एनर्जी जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं यूनिवर्स में, तो इन रिटर्न उसका जो है आपको बहुत अच्छा मिल सकता है. तो जरूर वीडियो को लाइक करें रीडिंग को शुरू करने से पहले. सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं. वैसे मेरे इंस्टा में भी आप जुड़ सकते हैं, मेरे इंस्टा की दो आईडीज है, पहला है पूर्वा घोष, दूसरा है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा ऑफिशियल, जहां पर आपको डेली स्पिरिचुअल कंटेंट देखने को मिल जाएंगे. तो चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग. तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज पॉजिटिव रहिएगा. सबसे पहले हम देखेंगे कि आपकी मीटिंग आपके फ्यूचर स्पाउस आपके लाइफ पार्टनर के साथ कैसे होने वाली है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. We have the world. Okay, और भी कार्ड्स देखते हैं. We have eight of wands. Knight of wands. Seven of Wands. So guys, यहाँ पर साइंस की बात कर लेती हूँ. यहाँ पर है फायर साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस. अर्थ साइन में से वी हैव कैप्रिकॉर्न एंड टॉरस. वाटर साइन में से वी हैव स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैंसर. एंड एयर साइन वी हैव एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा एज वेल. ओके, तो ऑलमोस्ट सारे साइंस है गाइज. ओके, यहाँ पर सारे के सारे साइंस ही मुझे नजर आ रहे हैं. सो देख लेते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपकी मीटिंग कहाँ पर होगी, कैसे होगी. Excited? Yeah, me too. So let's start. सबसे पहले आए हैं यहाँ पर आपके पास eight of wands. तो देखिए आपकी मीटिंग इस तरीके से होगी ना कि मतलब एकदम अचानक से, मतलब जैसे होते हैं ना कि आप किसी चीज के लिए रश कर रहे हो, ठीक है. मतलब किसी चीज के लिए फॉर एग्जाम्पल अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, आप काम के सिलसिले में कहीं ट्रैवल कर रहे हो और आप बहुत लेट हो चुके हो, तो आप कैसे दौड़ते भागते हुए यू नो ट्रैवल करते हो, ठीक है. अगर पब्लिक व्हीकल है तो उसमें ट्रैवल करते हो या दौड़ते दौड़ते जाते हो और सडनली आपका धक्का लग जाए किसी के साथ, ठीक है, या फिर किसी को आप गलती से धकेल दो. तो वैसी वाली मीटिंग मुझे दिख रही है कि एक्सीडेंटल मीटिंग, आई कैन से. ओके, एक्सीडेंटल मीटिंग जहां पर मतलब सिचुएशंस मतलब अजीब ही रहेंगे आपके. मतलब हो सकता है कि आपको गुस्सा भी आए ऐसे वक्त पे आप इनसे मिले, या फिर मतलब अचानक से यू नो मतलब सेकंड्स में हो सकता है कि आप इनसे मिले, आप सॉरी बोलो या फिर यू नो बस मिलो और निकल जाओ, ऐसी वाली एनर्जीज हैं. फिर हो सकता है बाद में मिलने का मौका मिले. तो जो फर्स्ट मीटिंग होगी वो बहुत क्विकली होगी. मतलब ऐसा नहीं होगा कि बहुत वक्त तक आप दोनों एक दूसरे को देखते रहोगे या बहुत बहुत वक्त तक एक ही जगह पे आप लोग रुके रहोगे, ठीक है, या बहुत वक्त तक अटेंड कर रहे हो किसी जगह को. नहीं, अचानक से मतलब आउट ऑफ नोवेयर आपने मिले और गायब हो गए. अब जरूरी नहीं कि आप धकेल ही रहे हो या फिर धक्का लग रहा है, नहीं, मैं बस एग्जांपल दे रही थी. ऐसा होने वाला है कि मतलब हाउ शुड आई से कि मतलब अचानक से मिलो. फॉर एग्जांपल कहीं पे होटल में जा रहे हो, ठीक है, स्टे करने के लिए, तो आपके नेक्स्ट रूम में हो सकता है कि वो भी ठहरे हुए हों और आप दोनों जब बाहर निकल रहे हो अपने रूम से, तब हो सकता है एक दूसरे को आपने देखा और फिर आप लोग अपने अपने रास्ते चले गए. तो समथिंग लाइक दैट. बिकॉज यहाँ पर दो ही मेजर पॉसिबिलिटीज हैं इस पर्सन से मिलने का. कुछ लोगों के लिए आप इस पर्सन से पहले ऑनलाइन मिलोगे और देन फिजिकली मिलोगे, ठीक है, फर्स्ट मीटिंग जो होगी. और वो जब वो फर्स्ट मीटिंग होगी आपकी तो भी वो बहुत जल्दबाजी में होगी, ठीक है. हो सकता है आपके पास टाइम नहीं रहेगा या फिर आपके पर्सन के पास नहीं रहेगा और आप लोग बस 10-15 मिनट के लिए वो भी मन में डर लेकर मिलो, जल्दी जल्दी बात करो और फिर जल्दी जल्दी घर चले जाओ अपने, ऐसा हो सकता है. और मैक्सिमम लोगों के लिए आप लोग इस पर्सन को ट्रैवलिंग के दौरान मिलेंगे, ट्रैवलिंग के दौरान, ठीक है. तो ऐसी पॉसिबिलिटीज है कि यू नो फ्लाइट है आपका और आपके ही नेक्स्ट सीट पे ये इंसान बैठ जाए और आपका जो फ्लाइट की जो आर है वो सिर्फ एक घंटे का हो या फिर दो घंटे का, और यू नो आप लोग एक दूसरे को देखो भी ना, ठीक है, और अपने अपने सीट में बैठ कर ही अपने अपने यू नो टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो समथिंग लाइक दैट. या कहीं रूम में स्टे कर रहे हो, किसी वैकेशन में गए हो, ट्रिप में गए हो और अचानक से मिले, आपने देखा एक दूसरे को, एंड ओके ऑल फाइन,
तो मुझे लगता है कि बहुत क्विक मीटिंग होगी, और मुझे लगता है कि इसमें जो है ना एंजल्स भी एक गेम खेलेंगे कि वो आप दोनों को थोड़ा सा तड़ पाएंगे, क्योंकि आप दोनों को फर्स्ट मीटिंग में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा कि आप लोग बहुत बैठ कर एक दूसरे को देखते रहो या कुछ सोचते रहो. ओके, क्योंकि क्लियरली नजर आ रहा है कि आप दोनों कुछ सेकेंड से कुछ मिनट्स तक ही एक दूसरे को देख पाओगे या मिल पाओगे, और उसमें ही आप दोनों पूरी तरीके से फील कर लोगे एक दूसरे को. आगे मैं देखूंगी इम्प्रेशन कैसा होगा, लेकिन ऐसी वाली एनर्जीज हैं. ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन कुछ काम कर रहे हो, या फिर आप कुछ काम कर रहे हो, या फिर ये पर्सन किसी स्पोर्ट्स में हो, कि कोई स्पोर्ट्स में आप किसी स्पोर्ट्स को देखने गए हो और ये पर्सन आपको दूर से ही देख ले, आप भी उन्हें दूर से देख ही रहे हो, लेकिन आप दोनों को कोई अंदाजा नहीं है कि आप दोनों ने एक दूसरे को देखा हुआ है. ऐसी भी पॉसिबिलिटीज हैं. ठीक है, कि ये स्पोर्ट्स मैन हो, ये स्पोर्ट्स वुमेन हो, और आप एज एन ऑडियंस गए हो, तो समथिंग लाइक दैट. मे बी आई डोंट नो, लाइक एक्सप्लेन करना यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, बिकॉज मैं बोल रही हूँ ना अचानक से. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप होटल इंडस्ट्री में वर्क करते हैं, ठीक है, अगर आप रिसेप्शनिस्ट होंगे या फिर शेफ होंगे, तो हो सकता है कि ये खाने आए हो या रहने आए हो, तो आप उनको गाइड करोगे, या फिर यू नो आप अपने फूड के बारे में इन्हें एक्सप्लेन करोगे, एंड दैट्स ऑल. तो ऐसी वाली एनर्जी है हमारा, मतलब जहाँ पर थोड़े वक्त के लिए आप लोग मिल रहे हो, थ्रू ऑफिशियली हो या अचानक से हो, एक्सीडेंटल मीटिंग हो, एक्सीडेंट नॉट इन अ बैड वे, एक्सीडेंटल मतलब अचानक से मिलना, ठीक है, और उसका कुछ आउटकम आप दोनों के दिलो दिमाग में ना आना कि अरे इसके साथ तो कुछ हो सकता है, ऐसी वाली एनर्जीज है. ओके, तो चलिए आप इंप्रेशंस देख लेते हैं. सबसे पहले देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस क्या फील करेंगे आपको देखने के बाद, क्या सोचेंगे आपको देखने के बाद. वी हैव द जर्नी. ओके, सो देखिए, फर्स्ट इंप्रेशन आपके पर्सन का ये रहने वाला है कि ये इंसान आपको जब भी देखेंगे, जिस वक्त में वो देखेंगे, मुझे लगता है कि उस वक्त में वो बहुत ज़्यादा यू नो क्विक वाली एनर्जी में होंगे, और जब वो देखेंगे उस समय वो पूरी तरीके से ब्लैंक हो जाने वाले हैं. ठीक है, उनके मतलब पूरी तरीके से एक टाइम के लिए वो ब्लैंक हो जाएंगे आपको देखकर, मतलब कुछ सोचेंगे ही नहीं, बस वो आपको देखेंगे बस. और उसके बाद जब आप हो सकते हैं उस जगह से चले जाओगे या फिर वो चले जाएंगे, तब उनको ऐसा फील होगा कि आप कहाँ गए और उन्होंने आपको रोका क्यों नहीं, मतलब उनका ऐसा मन होगा. ऑब्वियसली नहीं रोक सकते हैं अगर स्ट्रेंजर पर्सन है तो, ठीक है, फर्स्ट टाइम स्ट्रेंजर ही होने वाले हैं, तो इस पर्सन को ऐसा फील होगा कि वो अकेले कैसे आ गए, या फिर आप कैसे अकेले चले गए, वो आपके साथ क्यों नहीं है, या फिर आप उनके साथ क्यों नहीं आए. अगर आप आते तो शायद अच्छा होता, अगर वो आपको जान पाते, या फिर आप दोनों साथ में आ जाते तो अच्छा होता. तो ऐसी वाली फीलिंग है. तो जिस पल में ये इंसान आपको दिखेंगे, उस पल में ये इंसान पूरी तरीके से ब्लैंक हो जाने वाले, कुछ भी दिलो दिमाग में नहीं रहने वाला, बस आपको ही देखते रह जाएंगे. ओके, और जैसे ही आप चले जाओगे या वो चले जाएंगे, या फिर दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाओगे, तब इनको यू नो एक सडन फीलिंग आएगा कि अरे मैंने इस पर्सन को रोका क्यों नहीं, या फिर मैंने इस पर्सन के बारे में पूछा क्यों नहीं कि ये कौन है, ठीक है, या फिर ये मेरे साथ क्यों नहीं आए, ठीक है, इन्हें आना चाहिए था, अगर आते तो अच्छा होता. ठीक है, तो एक होता ना कि एक होप कि काश ये पर्सन कहीं और ना जाकर मेरे साथ ही जा रहे होते, मैं जहाँ जा रहा हूँ या मैं जहाँ जा रही हूँ, या मेरे पास ही बैठे रहते, मेरे पास ही बैठ जाते, ऐसी वाली एनर्जीज है. ठीक है, तो इस पर्सन की इंप्रेशन ऐसी होगी, बहुत पसंद करेंगे आपको, लेकिन जिस पल ये आपको देखेंगे उस मोमेंट में ये कुछ आपके बारे में सोच ही नहीं पाएंगे, पूरा ब्लैंक, पूरा ब्लैंक. ओके, बहुत अमेजिंग एनर्जीज है गाइस, पूरा ब्लैंक. ओके, मतलब आपको देखते ही रह जाएंगे. हो सकता है आप बहुत ब्यूटीफुल हो, लेकिन इस पर्सन की नजरों में आप बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल होने वाले हो, जिसकी वजह से ये देखेंगे तो बस देखते ही रह जाएंगे और खो जाएंगे आप में. उसके बाद जब थोड़े वक्त बाद इनको यू नो ये अपने सेंस में आएंगे, तो चलिए देख लेते हैं कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस को फर्स्ट टाइम देखकर कैसा फील करने वाले हैं, क्या सोचने वाले हैं. वी हैव डोट टू स्पिरिट. तो मुझे दिख रहा है कि देखिए आप एक ऐसे इंसान हैं जो कि अपने एंजल्स पे या गॉड पे हो सकते हैं बहुत विश्वास करते हैं जब बात आती है आपकी शादी की या फ्यूचर स्पाउस की. और मुझे यहाँ बहुत एनर्जी आ रही है कि हो सकता है कि आप यू नो बार बार प्रे करते हैं कि आप कि फ्यूचर स्पाउस से आप मिल जाओ, आप अपने एंजल से बात करते हो सकता है, या फिर भगवान से रोज प्रे करते हो, या बोलते हो उन्हें कि कोई हिंट मिल जाए. ठीक है, कि आप मतलब आप बहुत क्यूरियस हो कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस को कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, ठीक है, कब मिलेंगे, और आप हो सकता है बहुत प्रे भी करते हो कि ये इंसान जल्द से जल्द आपकी ज़िंदगी में आ जाए और आप इनसे यू नो मिल पाए बहुत जल्दी. तो मुझे लगता है कि जब आप इस पर्सन को देखेंगे फर्स्ट टाइम के लिए ही, तब कहीं ना कहीं सडनली एक फीलिंग आपको आ जाएगी यूनिवर्स की तरफ से ही, और आपका ऐसा फील हो जाएगा कि यही है वो इंसान. ठीक है, मतलब
आपको ऐसा फील होगा कि बाहर से एक आवाज आपके कानों में आएगी, कोई आपको बताएगा कि यही है वो इंसान, आप सुन पाओगे और वो आपके गार्जियन एंजल, आपके स्पिरिट गाइड्स रहने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि जो आप अब तक यू नो हिंट मांग रहे हो एंजल से, यूनिवर्स से, भगवान से, या फिर वेट कर रहे हो कि किस तरीके से मिलोगे, तो जैसे आप उस पर्सन को देखोगे आपको एक यूनिवर्सल साउंड सुनाई देगा आपके कानों में सुनाई देगा, याद रखिएगा। तो जैसे आप इस पर्सन को देखोगे आपको फील भी नहीं होगा, आपको आवाज आएगी ईश्वर की तरफ से और आपको सुनाई देगा कि कोई आपको बोल रहा है कि यही वो इंसान है, ठीक है, या यही है वो तुम्हारे लाइफ पार्टनर, ऐसी वाली कोई एक सेंटेंस जरूर होगी। अब वो किसी भी लैंग्वेज में हो सकती है, किसी भी तरीके से हो सकती है, ठीक है। कुछ म्यूजिक बज सकता है अचानक से आपके कानों में, कोई ट्यून, कोई मेलोडी, ठीक है, अचानक से इस पर्सन को देखती है एक ऐसा मेलोडी आपको सुनाई देगा जो मेलोडी आपने लाइफ में कभी नहीं सुना, और वो बस आपको ही थोड़े वक्त के लिए, थोड़े सेकंड्स के लिए सुनाई दिया, ठीक है, ऐसी वाली एनर्जी होगी। तो आपकी इंप्रेशन जो होगी वो कुछ भी नहीं रहेगी, ठीक है, आप भी उन्हें बस एज ए नॉर्मल कैजुअली जैसे लोग देखते हैं वैसे देखोगे, लेकिन आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है, यूनिवर्स की तरफ से आंसर मिल जाएगा। जो आंसर्स आप अब तक ढूंढ रहे हो, जो हिंट आप अब तक ढूंढ रहे हो कि कैसे पहचानेंगे, कैसे मिलेंगे, हाँ कहाँ ढूंढेंगे, तो वो सारी चीजें ना जब आप मिलोगे तुरंत आपको वो आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपके साथ एंजल्स की प्रोटेक्शन है, आपके साथ एंजल्स जो है वो आपको गाइड कर रहे हैं, और जब आपके फ्यूचर स्पाउस मिलेंगे तो सिचुएशन में ऐसे मिलोगे जहाँ पे फर्स्ट मीटिंग में सब कुछ पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है, कि आप लोग पहचान जाओ, एक दूसरे को मिल जाओ, लेकिन फिर से डेस्टिनी आप दोनों को घुमा फिरा कर फिर से आप दोनों को मिलवाएगी, तो आपकी जो कनेक्शन होने वाली बहुत मैजिकल होगी, ठीक है। और सबसे पहले जो है आपको एकदम से यू नो पता चल जाएगा कि यही है वो इंसान, आपको आंसर मिलेगा, बिकॉज आप हो सकता है कि अपने ईश्वर से बहुत जुड़े हुए हैं, या हो सकता है आप एक बहुत अच्छे स्पिरिचुअल पर्सन हैं, या फिर हो सकता है कि आप बहुत इंट्यूटिव है, साइकिक पर्सन है, ठीक है। तो ये इंप्रेशंस मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि कब मिलोगे, कब मीटिंग होगी आपकी। ओके, वी हैव क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहाँ पर मुझे दो पॉसिबिलिटीज नजर आ रही हैं। अगर आप अभी यू नो अपने कॉलेज डेज में हैं, स्कूल डेज में हैं, जहाँ पर अभी आप एक टीनेजर हैं, या फिर आप यू नो जस्ट अभी आपने कॉलेज स्टार्ट किया है, या फिर अभी आपकी कॉलेज भी शुरू नहीं हुई है, प्रिपेयर कर रहे हो किसी चीज के लिए, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपको इस पर्सन से मिलने में भी वक्त है। जब आपके लाइफ में मुझे लगता है कि एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगी, आपकी डिग्रीज कंप्लीट हो जाएगी, या फिर आप एक ऐसे सिचुएशन में होगे अपने करियर में जहाँ पर आपने बहुत कुछ पा लिया है, फेम पा लिया है, सक्सेस पा लिया है, और यू नो आप टोटली इंडिपेंडेंट हो, बिल्कुल फाइनेंशियली, मेंटली, इमोशनली, हर एक तरीके से आप एकदम इंडिपेंडेंट हैं, उस वक्त आप उस पर्सन से मिलेंगे। तो जो लोग अभी बहुत यंग हो, आप लोग जिनकी अभी तक कोई प्रोफेशन, जॉब कुछ शुरू नहीं हुआ है, जो लोग अभी भी यू नो अपनी स्टडीज कंटिन्यू कर रहे हो, ज्यादातर मुझे लग रहा है अंडर ग्रेजुएट जो लोग हो अभी भी, ठीक है, तो उनके लिए मुझे लगता है कि अभी आपको वक्त है, अभी आपको कुछ साल देने हैं। जिस वक्त आप सेटिस्फाइड हो जाओगे अपने लाइफ को लेकर, जिस वक्त आपको ऐसा फील होगा कि फाइनली आई एम स्टेबल इन माई करियर, इन माई यू नो जॉब, फाइनेंसेस, उस वक्त आप इस पर्सन से अचानक मिलेंगे। क्योंकि मुझे लगता है कि एंजल्स चाहते हैं कि आप अपने लाइफ में सबसे पहले कुछ बड़ा कर लें, उसके बाद आप मिले, बिकॉज आपके मुझे लगता है कि स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं व्हेन इट कम्स टू योर फ्यूचर स्पाउस और योर मैरिज। तो अभी आप जिस सिचुएशन में जी रहे हो, अभी जिस कंडीशन में आप जी रहे हो, उस कंडीशन में रहकर आपके हाई स्टैंडर्ड को मैच करने वाला कोई पर्सन आपको मिलना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है, या फिर उस सिचुएशन में जाना मुश्किल है। तो मुझे लगता है कि अभी आपको कुछ साल देने पड़ेंगे तब आप इनसे मिलेंगे। तो अभी डेफिनेटली मे बी 2-3 years और इवन 4 years अगर आप बहुत यंग है तो। लेकिन अगर आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो चुकी है, कोई जॉब कर रहे हो, या फिर जॉब नहीं भी कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो या नहीं भी कर रहे हो, लेकिन आपकी आपको लगता है कि आपने अब से जितना पढ़ाई होना था, जितना आपको लाइफ में करना था, आपने कर लिया है, तो मुझे लगता है कि आप इस पर्सन से बहुत जल्दी मिलेंगे, बिटवीन 1-2 months के अंदर अंदर, 1-2 महीने के अंदर अंदर ही आप इस पर्सन से मिलने वाले हो। और जब मिलोगे तो आपको ईश्वर की तरफ से आवाज़ मिल जाएगी और आप पहचान जाओगे, क्लियरली पहचान जाओगे। आपके दिलो दिमाग में कुछ थॉट नहीं आएगा कि ये गुड लुकिंग है या मस्त है या कुछ है, बस आपको आवाज मिल जाएगी, ठीक है। तो यस, जो लोग यंग हो उनको कुछ ईयर्स अभी भी वेट करने पड़ेंगे, बट जो लोगों के भी कंप्लीशन हो चुकी है, लाइफ में स्टेबिलिटी बहुत है, फाइनेंशियली अच्छा कर रहे हो, तो उनके लिए मुझे लगता है कि 1-2 महीने के अंदर अंदर ही आप इस पर्सन से मिलने वाले हैं। सो ऑल द बेस्ट गाइस। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।